पड़ेगा। क्लची उनके बिल्कुल पीछे, उनको कवर देने के लिए तैयार थे ना, तत्पर क्लची मवी को पिक किया है और निंजा बॉय का ही ग्रेनेड था जो मवी को खा गया। बहुत ही ज्यादा बेहतर ये स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रही है और निंजा बॉय ने वहां पे ग्रेनेड को करके थ्रो किया जरूर था बट मवी वहां पे नॉकआउट हो गए, ये उनको अंदाजा था नहीं और अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी मवी की। और जिस चीज की बात करते हैं क्लची, वो जो पोजिशन वो होल्ड करके बैठे वो काफी ज्यादा बेहतर, लेकिन अब निंजा बॉय आएंगे और कूरो को उन्होंने डाउन किया है। अब सिचुएशन एक बार फिर से इवन स्टीवन देखने को मिलने वाली, रेबल विद दैट ग्रेनेड क्या कनेक्शन बनाएगा वो एक देखने वाली बात जरूर से रहेगी। चलिए क्लची भी आ चुके हैं उनके पास, शॉर्ट गन है, हम देख रहे हैं शॉर्ट गन का मेटा चल रहा है बट रेबल वहां पे एटलेस को डाउन करेंगे। पीछे तो निंजा बॉय जो है वो क्लची को डाउन करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से जो सिचुएशन है वो इवन सीवन 2v2 की फाइट, लेकिन अब जो ऊपर प्लेयर है रेबल जो है वो भी आते हुए नजर आ जरूर से रहे हैं बट मेरे ख्याल से रिवाइवल इज समथिंग जो प्रायोरिटाइज किया जाएगा और साथ ही साथ निंजा बॉय उनके पास वक्त होगा कि वो अपने आप को हील कर सके, वो हील कर ही रहे थे बट रेबल वहां पर।